मेरा नाम राहुल राहुल है, नाम तो सुना ही होगा वैसे, विश यू नो वेरी वेल हमेशा से, एंड बहुत कम लोगों को पता है वैभव एक्चुअली मेरा बहुत इन्वेस्टमेंट है, वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट लाइक 10 इयर्स, 10 साल से हम दोस्त हैं, एंड ये इवेंट उसने बहुत पहले ऑर्गेनाइज किया था, एंड मेरा एक फर्स्ट टाइम है अनटैप्ड में, और मैं शायरी एक्चुअली उर्दू वर्ड्स यूज करता हूँ, बट वो बोल रहा था कि तुझे परफॉर्म करना है, सो मैं सोचा कि मैं किस बारे में लिखूं, मैं सोच रहा था क्या लिखूं, एक्चुअली मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ आजकल, ओके आई नो कि लाइक बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, लाइक उनका क्या कंडीशन होगा, सो एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट, सो सबके लाइफ में क्रश होता है, लव लाइफ होती है, एक ऑफिस की लाइफ अलग होती है, तो ऑफिस में कोई दूसरी होती है, यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम सपोज टू से, सो जब तो एक ऑफिस में सबका कुछ ना कुछ होता है, सबको छोटा क्रश होता ही है, सो मैं सोच रहा था कि उसी के बारे में लिख देता हूँ, सो ये एक मैंने जो वर्क फ्रॉम होम के ऊपर मैंने पोयम लिखी, छोटी सी है, मेरा थॉट है, मैंने जो थॉट लिखा है एक लड़की को मैंने डेडिकेट किया है जिससे मैं बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करता हूँ, सो उसका नाम दीक्षा है, एंड स्टार्ट होता है ऐसे, वर्क फ्रॉम होम जब चालू हो जाएगा तो कैसे देखेंगे उनका चेहरा, वर्क फ्रॉम होम जब चालू हो जाएगा तो कैसे देखेंगे उनका चेहरा, याद आएंगी वही चाय और उनकी चुस्कियों का पहरा, भूल मत जाना हमें यूं ही, भूल मत जाना हमें यूं ही गुमनाम में, भूल मत जाना यूं ही हमें गुमनाम में, बॉस तुमको बिजी रखेगा डेटा और काम में, याद आएंगे लिफ्ट का खुलना और तुम्हारा गुड मॉर्निंग कहना, याद आएंगे लिफ्ट का खुलना और तुम्हारा गुड मॉर्निंग कहना, जाते वक्त यूं ही बाय बाय सी यू टुमारो तुम्हारा कहना, कोई बात नहीं जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मुझे फोन एक बार जरूर करना, कोई बात नहीं जब लॉकडाउन खुल जाए तो मुझे एक बार फोन जरूर करना, मिलेंगे वही फिर वही चाय और वही चुस्कियों का पहरा, एक और छोटा सा मेरा मास्टरपीस है, मैंने लव लाइफ को मैंने डिनोट किया है, जब बात करता हूँ मैं उससे कभी कभी, सो कभी कभी वो थोड़ी चिढ़ जाती है, फिर वो ऐसे झगड़ा करने लगते हैं लोग, सब यो 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 जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं बोला कि फिर जी लो फिर दिएगी दोबारा, तो मैं ऐसे कह रहा था, समंदर की गहराई की बात करते हो तुम दिल के गहराई में उतरने के बदले दिल के गहराई नापने चले हो तुम, एक गजल ऐसा है, एक बात ऐसी है कि लफ्ज़-ए-लियाज़ से तुम कुछ बोल ना पाए, एक्चुअली ये वर्ड ऐसा है कि वो जब हमें फील होता है कि शायद वो हमसे अब प्यार करना बंद कर दिए, तो अभी ऐसा स्टार्ट होता है, लफ्ज़-ए-लियाज़ से तुम कुछ बोल ना पाए, दिल में जगह दी तुम्हें हमने और तुम हमें ही लूटने चले आए, एक मर्तबा की दास्तान बताना चाहूंगा, एक बात ऐसे बताना, सब उन्होंने हमसे कहा जब तक हमें ना देखे तब तक हम सांस भी नहीं ले पाते, जब तक आप हमें ना देखे तब तक हम सांस भी नहीं ले पाते, इसी बात पे एक शेर पेश करता हूँ, लहजे लिबास में रहा करती थी वो हमसे बातें कम किया करती थी वो, चुप रहना आदत भी हमने बना ली थी जनाब, चुप रहना भी आदत बना ली थी हमने जनाब, जब उनकी आंखों में देखते ही तब सांसें लिया करती थी वो। थैंक यू सो मच।